तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नए वीडियो के अंदर। और ये सब थोड़ा सा इग्नोर कर देना, अभी तबीयत मेरी खराब चल रही है, बुखार आ रखा है, बट कोई बात नहीं। अगर आपके पास एलईडी स्मार्ट टीवी है जिसके अंदर आपको जो ऑडियो आउट का जो पोर्ट है, चाहे वो 3.5 mm ऑडियो जैक हो या फिर नॉर्मल जो कोएक्सल वाले आते हैं वो वाला, अगर उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक SPDF या ऑप्टिकल ऑडियो आउट है, और आपके पास जो होम थिएटर पड़े हैं वो पुराने हैं, वो नॉर्मल जो रेड और व्हाइट वाली केबल है एनालॉग वाली उससे चलते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो बहुत सही चीज है अगर आप अपने पुराने होम थिएटर्स को कनेक्ट करना चाहते हो रियलमी की स्मार्ट टीवी 43 इंच की, जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल ऑडियो आउट का जो है वो पोर्ट मिलता है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब मैं करता हूँ कैमरा स्विच। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है फ्लिपकार्ट का पैकेज और इसका जो प्राइस है वो अराउंड 600 रुपए के समथिंग है। तो 600 रुपए में आपको यहाँ पर एक बहुत सही चीज मिलती है। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। यहाँ पर इस पैकेज के अंदर मेरे को उम्मीद थी कि हमें एक और फीमेल ऑडियो आउट की जो केबल है जो रेड और व्हाइट वाली है वो केबल भी मिलनी चाहिए थी, बट वो इस पैकेज के अंदर नहीं मिली है। यहाँ पर एक मिली है ये ऑप्टिकल केबल, और उसके बाद यहाँ पर एक ये पैकेज है। इसे मैं आप सभी के सामने ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा बॉक्स निकल कर आता है इसके अंदर से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो बॉक्स, आपने काफी जगह ये देखा होगा। तो यहाँ पर अभी कुछ इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन है, डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर इज डिजाइन फॉर आइदर होम और प्रोफेशनल ऑडियो स्विचिंग। इट कन्वर्ट्स कोएक्सल और टॉसलिंक डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स टू एनालॉग LNR ऑडियो। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये इसकी कुछ फोटोज रहने वाली है। इसे कनेक्ट कैसे करना है टीवी के अंदर और क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है, क्योंकि इसे डायरेक्ट अगर हम टीवी से कनेक्ट कर देंगे और चला के देखेंगे तो ये चलेगा नहीं, हमें उसकी कुछ सेटिंग्स भी करनी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो कन्वर्ट्स। और इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये इसके फीचर्स हैं, सपोर्ट्स अनकम्प्रेस्ड 2-चैनल LPCM डिजिटल ऑडियो सिग्नल आउटपुट, 24-बिट SPDIF इनकमिंग बिट स्ट्रीम ऑन RL चैनल्स, सपोर्ट सैम्पलिंग रेट एट 32, 40.1, 48 and 90 kHz, ठीक है। प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस फ्री ट्रांसमिशन, इजी टू इंस्टॉल एंड सिंपल टू ऑपरेट। तो अब जरा इसे ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से हमें यही मिलता है। और यहाँ पर एक ये मैनुअल मिलता है, यूजर मैनुअल, चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन ये वीडियो एंड तक देख लेना, आपको सारा सिस्टम जो है मैं समझा दूंगा क्या है। इस बॉक्स के अंदर से यहाँ पर दो चीजें निकलती हैं, एक तो ये 5 वोल्ट का DC आउटपुट का अडेप्टर है, यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो। AC DC अडेप्टर आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वोल्ट 2 एम्प का आउटपुट है, और ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये पोर्ट देखो, ये कुछ इस तरीके का है। उसके बाद यहाँ पर एक ये चीज निकलती है मेन, यहाँ पर अगर इसकी बिल्ड की बात करें तो भाई ये मेटल का है और ये काफी अच्छी बिल्ड है, और गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो ये गोल्ड प्लेटेड हैं, ये कुछ इस तरीके के, अगर ये प्रॉपर दिखा दे, हाँ ये रहे, तो गोल्ड प्लेटेड हैं। और उसके बाद अब मैं कनेक्टर की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पर एक है ये पावर LED इंडिकेटर, उसके बाद ये कोएक्सल है, उसके बाद टॉसलिंक, ये SPDF या फिर ऑप्टिकल जो पोर्ट होता है ये वो है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ है ये ऑडियो आउट है राइट एंड लेफ्ट, ये है पावर इनपुट का जो ये इसका अडेप्टर मिला है, इसका जो ये पॉइंट है ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये अडेप्टर पीछे लग जाएगा पावर में, और उसके बाद फिर इसके अंदर एक LED लाइट जो है ब्लिंक होगी। अब मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पीछे पावर में लगा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी LED लाइट ब्लिंक हो रही है, जिसका मतलब इसके अंदर पावर आ गई है। अब हमें करना है एक ये ऑप्टिकल केबल लेनी है जो इसके अंदर से निकली है, ये रही ऑप्टिकल। इस केबल का आपको ध्यान रखना है कि ये बेंड ना हो, L शेप में बेंड नहीं होनी चाहिए, आप इसे मतलब राउंड बना सकते हो उसका, जैसे इसका राउंड बना हुआ है, लेकिन आप इसे L शेप में बेंड मत करना, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो इसे हमें लगाना है टीवी के पीछे जो ऑडियो आउट है ऑप्टिकल वाला, ये उसमें लगेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप ये नीचे ये वाला पोर्ट देख सकते हो, ये रहा, तो हमें इसे ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर जो एज बना हुआ है इसके, ये वाला, ये टीवी के इधर साइड रहेगा पैनल की तरफ, और ये यहाँ से, और ये यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्टिकल केबल लग चुकी है, इसके अंदर से जो है एक LED बीम आ रही होती है रेड कलर की, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर से ये जो है एक बीम आ रही है रेड कलर में, ये ऑप्टिकल है। तो यहाँ पर इसे लगाना है हमें इसमें, इसके पोर्ट में टॉसलिंक वाले में, आप देख सकते हो ये टॉसलिंक वाला है, तो इसे हमें इसके अंदर लगा देना है, और ये एक तरफ ही लगेगा, अगर आप इसे उल्टा लगाओगे तो उल्टा लगेगा नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अभी मैं इसे लगा रहा हूँ, अभी ये लग नहीं रहा, तो अगर मैं इसे टर्न करके लगाऊंगा तो यहाँ पर
आराम से लग जाएगा। तो ये बहुत इजीली यहाँ पर लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है कनेक्शन का। यह पुराने होम थिएटर से ये जो रेड और व्हाइट वाली जो केबल आती है इसे लेकर आना, इसके कनेक्शन पीछे हमने किए हुए हैं। तो इसे हमें लगाना है इसके इस पोर्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हो रेड रेड में और ये व्हाइट वाला जो है ये व्हाइट में। तो यहाँ पर हमारे कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गए हैं और इसे हम थोड़ा सा साइड रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बढ़िया लगे दिखने में। यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मेन प्रोसेस आता है वो आता है टीवी के अंदर। तो अगर आपके पास रियलमी की टीवी है तो इसके अंदर साउंड की सेटिंग होती है, तो वो सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम होम स्क्रीन पे चलते हैं, है इसकी होम स्क्रीन, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं साउंड सेटिंग में। अब देखो यहाँ पर साउंड सेटिंग, अगर आप सेटिंग के अंदर से जाओगे, ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो ये साउंड का आ रहा है, तो इसके अंदर वो सेटिंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर वो सेटिंग आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर वो सेटिंग एक्सेस करनी है तो आपको रिमोट से ये वाला, ये होम है और इसके बगल में थ्री पैरेलल लाइन वाला है, ये बटन आपको प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्नर पे देखो ऑप्शन आ जाएगा पिक्चर मोड, डॉल्बी साउंड और ये स्लीप टाइमर, सोर्स और ये मोर, मोर पे आपको टैप करना है। उसके बाद ऊपर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है साउंड और एक है पिक्चर। साउंड पे टैप करना है। यहाँ पर देखो ये कुछ सेटिंग्स होंगी, सबसे पहले तो टीवी की है, डॉल्बी साउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्पीकर्स हैं। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो टीवी के स्पीकर से आवाज नहीं आएगी, ऑन कर दोगे तो टीवी के स्पीकर्स में आवाज आएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखो एक है SPDIF टाइप। तो अगर आपका पुराना होम थिएटर डॉल्बी साउंड को सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पर डिजिटल डॉल्बी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वो डिजिटल डॉल्बी साउंड सपोर्ट नहीं करता तो आप इसे करोगे भी तब भी वो साउंड जो है नहीं आएगा। अब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये टीवी के अंदर साउंड आ रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर अभी तो आ रहा साउंड टीवी के अंदर, लेकिन अगर हम ये तीन लाइन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मोर के अंदर जाते हैं। मोर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साउंड पे अगर हम जाते हैं, देखो ये साउंड पे गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है SPDIF टाइप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पीकर को बंद कर देना है, देखो अब ये टीवी म्यूट हो गई है। और जैसे ही आप इसे SPDIF को PCIM पे क्लिक करते हो तो आपका जो साउंड है वो होम थिएटर से आने लगेगा। यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा दूं, ये होम थिएटर चल रहा है देखो, तो 8 या 5.0.1 या फिर 5.0.5 यूज कर रहे हो, लेकिन आपके फोन के अंदर जो एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है, तो अब ये होम थिएटर से आवाज आ रही है, कहां चल रहा होगा, तो ऐसे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल आप सभी को पता है। तो अगर ऐसा आप बाय चांस कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे कनेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो ये है कि भाई आप इसका वॉल्यूम को अपने टीवी के रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास होम थिएटर का रिमोट होना चाहिए, आप उसी से ही कनेक्ट मतलब कंट्रोल कर पाओगे वॉल्यूम्स को। और टीवी का रिमोट जो है वो वॉल्यूम के मामले में बेकार हो जाएगा। तो अगर आप इस कनेक्टर का यूज करते हो तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बाकी मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास पुराने होम थिएटर्स अवेलेबल हैं, ब्लूटूथ जिनके अंदर नहीं है, तो फिर आप इस कनेक्टर की मदद से इसे कनेक्ट कर सकते हो। और इसका प्राइस जो है वो 600 रुपए के समथिंग है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आप चाहो तो आप इसे परचेस कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।